कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्रोजेनिका ने ब्रिटेन की अदालत में पहली बार माना है कि कोविड 19 की उसकी वैक्सीन से टीटीएस जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रोक, हृदय गति थमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ब्रिटेन के हाई कोर्ट में पेश दस्तावेजों में एस्ट्रोजेनिका ने साइड इफेक्ट की बात कबूल की है। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभावों के दावों का विरोध कर रही है। ये खबर भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कोविड 19 के प्रसार के दौरान बड़े पैमाने पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका की इसी वैक्सीन को कोविड शील्ड के नाम से इस्तेमाल किया गया था। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्रोजेनिका से हासिल लाइसेंस के तहत देश में इस वैक्सीन का उत्पाद किया था और इसे सिर्फ भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में ही नहीं इस्तेमाल किया गया था बल्कि दुनिया के कई देशों को निर्यात किया गया था। कोविड शील्ड के अलावा इस वैक्सीन को कई देशों में वैक्स जेवेरिया ब्रांड के नाम से भी बेचा गया था। एस्ट्रोजेनिका पर ये मुकदमा जेमी स्कॉट ने दायर किया है जो इस टीके को लेने के बाद ब्रेन डैमेज का शिकार हुए थे। कई परिवारों ने भी कोर्ट में इस टीके के दुष्प्रभावों की शिकायत की थी। कोर्ट पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने शरीर को पहुंचे नुकसान के लिए कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग की है। खास बात यह है कि ब्रिटेन ने इस वैक्सीन पर अब सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी है। कंपनी के इस आरोप की स्वीकृति के बाद अब मुआवजा मांगने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। भारत में कोविड के बाद ऐसी मौतों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी जिनमें कारण का स्पष्ट पता नहीं चला था। इनमें से अधिकांश को किसी न किसी शारीरिक समस्या से जोड़कर देखा गया और सरकार व स्वास्थ्य जगत ने ये कभी नहीं माना कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण ऐसा हो सकता है। अब कंपनी की स्वीकारोक्ति के बाद भारत में भी मुकदमों का दौर शुरू होने की संभावना है। टीटीएस के बारे में मस्तिष्क या अन्य भीतरी अंगों को नशों में थक्का जमने व प्लेटलेट्स काउंट्स कम होने की बीमारी से है। एस्ट्रोजेनिका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ कोविड रोधी टीके विकसित किए थे। ब्रिटेन की कई मीडिया रिपोर्टों में कंपनी के टीके पर गंभीर बीमारियों और मौतों के कारण बनने के आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट कई नामी पत्रिकाओं और अखबारों में भी प्रकाशित हुई। केरल में नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष जयदेवन ने कहा कि हालांकि कोविड टीकों ने कई मौतों को रोकने में मदद की है फिर भी इसके साइड इफेक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि WHO ने एडोनोवायरस वैक्टर टीकों को लेकर कहा कि इनमें शायद ही कभी ऐसी स्थितियां विकसित होती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड शील्ड नामक कोविड 19 रोधी टीके का उत्पाद किया लेकिन mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया। इसे वायरल वैक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर तैयार किया गया। वैक्सीन में एक चिंपैंजी एडोनोवायरस को संशोधित किया गया है ताकि ये मनुष्यों की कोशिकाओं में कोविड 19 स्पाइक प्रोटीन ले जाने में सक्षम हो सके।